हेलो फ्रेंड, जो भी विद्यार्थी तरंग मेगा उत्सव 2022 के पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों को ये दिशा निर्देश जान लेना बहुत ही जरूरी है। तो आज हम पेंटिंग प्रतियोगिता के दिशा निर्देश के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहें। लास्ट में हम आप लोगों को कुछ पेंटिंग दिखाएंगे जो कि 1 और 2 सितंबर को विद्यालय के स्तर पर जो प्रतियोगिता करवाया गया है उसी का पेंटिंग है, उसे हम आप लोगों को लास्ट में दिखाएंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए सबसे पहले हम इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। जैसा कि आप लोग यहां पर देख रहे हैं, तरंग मेगा उत्सव 2022 में विद्यालय, प्रखंड, जिला, प्रमंडल एवं राज्य स्तर पर संस्कृति एवं अकादमिक प्रतियोगिताएं आयोजित कराने हेतु निर्देश हैं, दिशा निर्देश हैं। तो वही निर्देश को हम आज अच्छा से पढ़ के आप लोगों को बताएंगे। सबसे ऊपर में देखिए, तरंग मेगा उत्सव 2022 में संस्कृति एवं अकादमिक में कुल 6 विधाओं यथा पेंटिंग, सामान्य ज्ञान क्यूज, क्रॉसवर्ड, निबंधन, आशू भाषण तथा स्पेलिंग बी कंपटीशन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। ये प्रतियोगिताएं 2 कैटेगरी, जूनियर वर्ग कक्षा 6 से लेकर 8 तथा सीनियर वर्ग कक्षा 9 से लेकर 12 में आयोजित की जाएगी। विद्यावार एवं कैटेगरी वाइज दिशा निर्देश निम्न प्रकार से होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, पेंटिंग प्रतियोगिता 2 वर्गों में जूनियर वर्ग कक्षा 6 से लेकर 8 के विद्यार्थियों के लिए तथा सीनियर वर्ग विद्यालय में पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजन की तिथि एवं समय के संबंध में छात्रों को सूचना प्रदान की जाएगी ताकि छात्र पूर्व में तैयारी के साथ प्रतियोगिता में भाग ले सके। जूनियर वर्ग हेतु सुझावात्मक विषय है पर्यावरण प्रदूषण, हमारे त्योहार, मेरा आदर्श, बड़े होकर मैं बनना चाहता हूँ, मेरा विद्यालय। तो इसी 5 विषय से आप लोगों को किसी एक विषय पर बहुत ही अच्छा तरीका से तैयारी करके पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार रहें, जिसका समय सीमा 2 घंटा का रहेगा, जो कि ये जूनियर वर्ग 6 से लेकर 8 वर्ग के विद्यार्थियों के लिए है और सीनियर वर्ग के लिए यहाँ नीचे में है। पढ़ता बिहार, बढ़ता बिहार, आधुनिक तकनीक और हमारा जीवन, 21वीं सदी का हमारा भारत, जल जीवन हरियाली। तो सीनियर वर्ग हेतु यानी कि कक्षा 6 से लेकर 9 के जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए ये 4 विषय यहाँ पर दिया हुआ है। इसी 4 विषय में से किसी एक विषय पर अपना तैयारी करके पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु तैयार रहें। उसका भी समय सीमा 2 घंटा ही रहेगा। जूनियर वर्ग एवं सीनियर वर्ग हेतु सामान्य निर्देश हैं, यानी कि कक्षा 6 से लेकर 8 और 9 से लेकर 12 दोनों विद्यार्थियों के लिए एक ही दिशा निर्देश यहां पर दिया गया है, जिसे आप लोगों को भी पता होना जरूरी है। विद्यालय स्तर पर प्रधानाध्यापक नोडल शिक्षक द्वारा बच्चों के बीच पेंटिंग प्रतियोगिता की जानकारी साझा करते हुए अधिक संख्या में बच्चों को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा। उसके नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा, विद्यालय द्वारा भाग लेने वाले बच्चों की सूची तैयार किए जाएंगे। प्रतिभागी बच्चों के बीच पेंटिंग प्रतियोगिता का विषय, प्रतियोगिता में भाग लेने के नियम, विद्यालय में आयोजन की तिथि एवं प्रतियोगिता में उनके द्वारा किए जाने वाले पेंटिंग के स्वरूप के बारे में चर्चा किया जाएगा। विद्यार्थियों को इंटरनेट, शिक्षक एवं अभिभावक की मदद से पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग की तैयारी के लिए प्रेरित किया जाएगा, जिसे बच्चे पूर्ण तैयारी के साथ प्रतियोगिता में भाग ले सके। पेंटिंग प्रतियोगिता के मूल्यांकन हेतु 3 सदस्यीय निर्णायक मंडल का गठन किया जाएगा। निर्णायक मंडल में विद्यालय के आसपास के विद्यालय के पेंटिंग में रुचि रखने वाले शिक्षक, स्थानीय पेंटिंग के कलाकार को शामिल किया जा सकता है। निर्णायक मंडल के साथ निर्णय हेतु निर्धारित मापदंड प्रारूप विद्यालय द्वारा साझा किया जाएगा, जैसे में है कलर, विषय संयोजन, रंग संयोजन। जूनियर वर्ग के प्रतिभागियों को पेंटिंग सामग्री यथा मोटा चार्ट पेपर, क्रियांस, कलर, पेंसिल, रबर एवं कटर आदि उपलब्ध कराया जाएगा। सीनियर वर्ग के प्रतिभागियों को पेंटिंग सामग्री यथा मोटा चार्ट पेपर, पोस्टर कलर, गोल ब्रश, कलर प्लेट, पानी का बर्तन, पेंसिल, रबर एवं कटर आदि उपलब्ध कराया जाएगा। प्रतिभागियों को यह भी निर्देश दिया जाएगा कि अपने चार्ट पेपर के पीछे अपने बारे में निम्न सूचना अंकित करेंगे, जैसे नाम, कक्षा, सेक्शन, विद्यालय का नाम, प्रखंड का नाम, जिला, घर का पता, पिन कोड, मोबाइल नंबर। आप लोगों को पेंटिंग करने के लिए जो भी मोटा पेपर यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा, जिस पर आप लोग पेंटिंग बनाएंगे, उसके पीछे में आपको नाम, कक्षा, सेक्शन, विद्यालय का नाम, प्रखंड का नाम, जिला, घर का पता, पिन कोड, मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से लिख देना है। तो आप लोग अभी जो भी निर्देश यहाँ पर पढ़े हैं और देखे हैं, उसका PDF हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप लोग वहां से डाउनलोड करके खुद से भी पढ़ सकते हैं। और हम आप लोगों को अब 1 और 2 सितंबर को विद्यालय स्तर पर किए गए प्रतियोगिताओं का कुछ पेंटिंग हम दिखा रहे हैं। जो मेरे पास उपलब्ध है वो पेंटिंग हम आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख ही लिए, 2-3 पेंटिंग मेरे पास था जिसे हम आप लोग को दिखा दिए हैं। आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा अच्छा बना सकते हैं उसका प्रैक्टिस अभी से करें। बस यही छोटा सा जानकारी था। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।